नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत कुछ सुना होगा जादू टोने के बारे में, लेकिन आज हम आपको इससे सचेत करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको जादू टोने के चक्कर में डालते हैं। अगर आपकी प्रेमिका रूठ गई है या आपका दोस्त पुराना रूठ गया है, उसको वश में करने के लिए हम आपको कारगर उपाय बताएंगे नहीं बल्कि करवाएंगे भी आपसे। एक मोर का पंख लीजिए जैसे ये है, और उसका फोटो लीजिए जो आपका दोस्त है, और उसका नाम लिख दीजिए इस फोटो के ऊपर। और अपना नाम भी लिख दीजिए इस फोटो के ऊपर। और एक कैंडल लीजिए, कैंडल यहाँ है नहीं, चलो ये मोर के पंख के ऊपर ये फोटो रख दीजिए उल्टा करके। और अब आप अपने इस कैंडल को जलाइए। अब आपको ये पता लग जाएगा कि ये फोटो और ये जो फोटो रखी है आपने, इसका कारगर उपाय क्या है। जो आपका दोस्त आपसे रूठ गया है, उसका आप वशीकरण कीजिए। दिन में ब्रह्म मुहूर्त में 5:05 बजे ये करना है आपको। और टाइम का ध्यान रखिए, ज़्यादातर लोग आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आपको समय का ख्याल रखना है। लेकिन अगर आपने समय में नहीं किया तो ये काम पूरा नहीं होगा, इसलिए आपको 5:15 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में 317 बार ये करना है। और कैसे करना है हम आपको बताएंगे। ये मोर का पंख लीजिए और ये फोटो को रख दीजिए, और ये कैंडल जलाइए आप। ये आपको केवल 3 बार करना है, इसलिए आपका ये काम पूरा हो जाएगा। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि आपका दोस्त, रूठा हुआ दोस्त आपसे मिलने के लिए आपको कॉल करेगा, और आपकी रूठी प्रेमिका अगर आपको उसको वश में करना है तो वो भी आपको कॉल करेगी। और दोस्तों हम आपको बताते हैं, ये कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है, ये बहुत बढ़िया उपाय है। आप एक बार इसको करके देखिए, और अगर आपको किसी बात की समस्या आती है तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारा फ़ोन है 9717997899। नमस्कार दोस्तों।